डर के मारे राशि की सांसें अटक गई। जिगर जी, मुझे लग रहा है कि कोई अंदर आ गया है। जिगर के चेहरे से हवाइयां उड़ने लगी। अहम भी हैरान परेशान हो गए। रात के सन्नाटे में मोदी हाउस में न जाने कोई आधमका है। कहीं ये कोई चोर तो नहीं जो पर्दे के पीछे जा छुपा है। जिगर को ऐसे 9-2-11 होता देख आप सोचेंगे कि ये जनाब तो बड़े जिगर वाले थे, फिर आज भीगी बिल्ली क्यों बन गए। तो जनाब इन्हें पता है कि चोर कोई और नहीं बल्कि खुद अहम बाबू हैं, जो अपने ही घर में चोरों की तरह घुस आए हैं। सिचुएशन ऐसी है कि अभी मेरी घर आने की भी औकात नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया, स्पेशली मुझे और गोपी को। तो कुछ फाइल्स है जो मेरी बहुत जरूरी है, जो मुझे कल मीटिंग में पहुँचानी है, प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा। सो फाइल के चक्कर में मैं यहाँ आता हूँ। भाई अपने ऑफिस की फाइल लेने के चक्कर में अहम अंदर तो आ गए, लेकिन तभी आ गया कहानी में एक ट्विस्ट। कोकी ने दरवाजा आगे से बंद कर दिया और अहम कमरे के अंदर ही हो गए कैद। थोड़ा सा ड्रामा है कि मैं अंदर लॉक हो जाता हूँ, उसके बाद फिर उर्मी अपना जो करती है कलाकारी वैसे फिर मैं निकल के जाऊँगा, फिर मॉम ऐसे लगे कि मॉम मुझे देख ली। तो सस्पेंस है, थोड़ा सा ड्रामा है, इमोशंस हैं, वो सारी चीजें। भाई ड्रामा तो साथिया के हर सीन में होता है अहम बाबू, लेकिन ये तो सोचिए कि कमरे से बाहर कैसे निकलेंगे। अगर कोकी को खबर लग गई तो काम से गए समझ लीजिए। अभी उर्मी ही निकालेगी जैसे वो लेके आई है, क्योंकि वही कलाकार है, वो कलाकार अपनी कलाकारी करती रहती है। सो देखते हैं अभी कैसे निकालेगी वो, क्योंकि मॉम को जैसे आएंगी वो ऐसा कुछ करेगी कि उनका या फेस घुमाएगी या अपनी तरफ घुमा कुछ भी करेगी, ऐसा कुछ सिचुएशन होगी कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। भाई अब तो उर्मिला का ही सहारा है, क्योंकि प्लान के मुताबिक कोकी का ध्यान भटकाने का जिम्मा जिगर और राशि का था, लेकिन ये मियां बीवी तो खुद को संभालने में जुटे हैं। यानी साथिया में फिर आने वाला है एक बहुत मजेदार सस्पेंस।